नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आपको CISF क्लास जो हमारी 75 क्लास चल रही है उसमें आज आपको मैथ के स्पेशल एडिशन विभाज्यता डिविजिबिलिटी में लिए चलते हैं। क्लास नंबर 11 है, 10 क्लासें आप देख चुके हैं, रेस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा है और अब आप मैथ की क्लास नंबर 11, वैसे मैथ की तो ये दूसरी क्लास होगी लेकिन ओवरऑल 75 क्लास मैथ में क्लास नंबर 11। चलिए तो CISF बेंच में हम आपको शुरुआत करते हैं। और CISF का एक खास नेचर होता है कि वो डिविजिबिलिटी में कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डिविजिबिलिटी इतनी बड़ी है, नंबर सिस्टम इतना बड़ा है, आप उसको पूरे को करते रहें तो कई दिन आपको लग जाएंगे और हमको कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस करनी है, इसलिए हमने जो है चुन चुन के चुनिंदा चीज़ें ला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास CISF। चलिए तो देखिए, डिविजिबिलिटी में हम आपको क्या पढ़ाएंगे वो समझ लीजिए। विभाज्यता, हम चैप्टर क्या है हमारा आज, विभाज्यता। और विभाज्यता डिविजिबिलिटी में, डिविजिबिलिटी में हम आपको आज पढ़ाएंगे कि पहले तो आप नंबर से डिविजिबल करना जानेंगे कि उस पर नंबर बेस आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे करेंगे। दूसरा, एक डिविजिबिलिटी का बहुत छोटा सा रूप आता है कि हम किसी संख्या को n से विभाजित करते हैं और उसको 2n से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, तो शेषफल प्रमेय में कुछ लोग शेषफल में पढ़ाते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों से इतर आज हम पहले डिविजिबिलिटी पर चलते हैं। तो कैसे हम डिविजिबिलिटी को करेंगे ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं दो के खानदान को, दो के कुनवे को आपको बता देता हूँ कि दो से अगर डिविजिबिलिटी है तो क्या चेक करना है। दो से हमें करना है लास्ट डिजिट चेक। क्या करना है स्टूडेंट, लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट दो से डिविजिबल है तो वो दो से डिविजिबल हो गया। अब लास्ट डिजिट कौन कौन होने चाहिए दो से डिविजिबिलिटी के लिए, जीरो होना चाहिए, दो होना चाहिए, चार होना चाहिए, छः होना चाहिए और आठ होना चाहिए। अगर ये दो चार छः आठ संख्याएं हैं तो वो दो से डिविजिबल होगी। जैसे वो ये पूछ ले कि बताइए संख्या 2 3 4 5 2 7 में ये क्या दो से डिविजिबल है, दो से डिविजिबल है। तो हमको कुछ नहीं देखना, पूरे पूरे इसको नहीं देखना है, मुझे पूरे इसको चेक नहीं करना है, मुझे क्या करना है लास्ट डिजिट को चेक। और लास्ट डिजिट है 7 और 7 में 2 से भाग लगाऊं तो 2 नहीं कट रहा है, तो संख्या ये 2 से डिविजिबल नॉट, ये नॉट डिविजिबल होगी बाय 2, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी। आपको ये विशेष चीज़ें समझनी है। अच्छा, मैं अगर आपको और चीज़ें कहूँ कि मान चलिए आपसे ये पूछा जाए 4 3 2 0 क्या दो से डिविजिबल होगी, मुझे इतना चेक नहीं करना है, मुझे क्या करना है ये चेक करना है। और देखिए फिक्सेशन पढ़ना ज़रूर है क्योंकि इसका यूज आपको होगा। तो चलिए अब जीरो जीरो देख रहे हैं तो ये क्या होगा, जीरो डिविजिबल है टू से, तो यस ये संख्या डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये दो की डिविजिबिलिटी आप पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसी क्रम में आगे बढ़ूँ, चलिए मिटा देता हूँ, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँ तो चार से डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें, और मोस्ट IMP, इस डिविजिबिलिटी को आप मोस्ट IMP करके पढ़ें। क्यों पढ़ें, क्योंकि चार से डिविजिबिलिटी पढ़ के हम यूनिट डिजिट अप्रोच को निकालेंगे, चार की डिविजिबिलिटी हम स्पेशल पढ़ें। तो चार से डिविजिबल क्या है, चार को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट्स आपको चेक करने हैं, यानी जितनी पावर 2 पर जाएगी उतने ही डिजिट हमें चेक करने हैं। तो 8 से अगर मैं बात करूं तो 8 से देखिए 8 से कैसे करेंगे, 8 से अगर मैं चेक करूं तो 2 की पावर 3, तो लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं। ऐसे ये तो आपको लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर मैं इसी प्रकार 16 से बोलने लगूं तो 2 की पावर 4 बनेगा और आपको कितने डिजिट चेक करने हैं, 4, लास्ट 4 डिजिट आपको चेक करने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप हम कर कैसे रहे हैं और हमारा अप्रोच क्या है, हम इन चीज़ों को विशेष समझेंगे। यानी ये 2 का खानदान ऐसे ही आप अब सब कुछ कर सकते हैं, 32 से चेक कर सकते हैं, 64 से चेक कर सकते हैं, 2 की पावर को आप बढ़ाते चले जाइए, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, आप इन सब को, इस पूरे खानदान को आप चेक कर सकते हैं डिजिट चेक करके। ठीक है, मतलब आप संख्या को छोटा करके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ सिखाऊं, मेरा उद्देश्य कुछ और है। तो चलिए
मैं वो बता देता हूँ कि चार से इम्पोर्टेंट है, वो चार को आपको विशेष पढ़ना है, और चार को एक तरह से नहीं बेटा, दो तरीके से आपको चार को पढ़ना है, तो दोनों तरीकों को मैं ले रहा हूँ। चलिए कैसे करेंगे आप ध्यान से समझिए। एक तो हमने मेथड पढ़ा कि लास्ट के टू डिजिट्स को हम चार से भाग लगा के चेक कर लें। तो लास्ट के टू डिजिट मान के चलिए संख्या ये है 482x, एक्स नहीं पहले चेक करा देते हैं 42। अब इसको हमें चेक करना है तो हम 2 के भ्रम में नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे इस पूरे अंक को उठाएंगे 42, और 42 में 4 से डिवाइड करिए, 4 1 4 और 2 ना जाने की 0, ये रिमाइंडर बच गया भैया, ये संख्या तो नो हो गई कि 4 से डिविजिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, लास्ट के टू डिजिट यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो मैं लास्ट के दो डिजिट को चेक करूंगा और चार से मैं निकालूंगा, और जो रिमाइंडर बचता है उसको मैं अलग से कैरी ऑन कर लूंगा। तो रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, चार से डिविजिबिलिटी में क्या है कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, अगर आप रिमाइंडर बच रहा है तो नहीं होगा। देखिए मैं 83251x, अब मुझे ये चीज़ चाहिए कि भैया बताइए, ये कह दे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन ये कह दे कि चार से डिविजिबल है, चार से विभाज्य है, डिविजिबल है, तो x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू ये आपसे पूछ लिया जाए। तो अब आप समझिए कि जब x की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो कैसे बताएंगे, भाई मैं जाऊंगा 1 और x, दो बस। अब मैं चार के टेबल में ये देखूंगा कि भैया इस 1 और x के साथ मिलकर चार किस किस से डिवाइड करता है, यानी ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10 to 19 के बीच की, यही तो हुआ भाई, 1 से 0 से लेकर यहाँ क्रम से बदलेंगे 10 11, एक मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है, लेकिन ये चीज सीखें तो 19 तक इसी के बीच की बकेट तो चेक की जाएगी कि ये होगी या नहीं होगी। तो मैं ऐसे ना करके मैं क्या करूँ, मैं चार को, अब ध्यान से समझिए मैं कैसे करने जा रहा हूँ वो समझिए, कि मैं चार को, चार का टेबल पढ़ लूँ इस एरिया में। अब आप कहेंगे कि जी चार का टेबल पढ़ा तो 4 × 1 = 12 होता है, और 4 × 4 = 16 होता है, बस 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 20 तक आपको जाना नहीं है इस बकेट में। तो यहाँ तो ये आसान हो गया कि यहाँ से 2 दिख रहा है, यहाँ से 6 दिख रहा है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स होगी आपकी 2 and 6, ये पॉसिबल वैल्यू होगी कि एक्स की, ये पॉसिबल वैल्यू है। लेकिन चलिए यहाँ तो आपके पास क्या था, यहाँ तो आपके पास 1 था, 1 से 19 तक था, तो बड़े आसानी से आप लोगों ने पार कर लिया, हुआ ना पार आसानी से कि आपने टेबल पढ़ लिया, लेकिन वो संख्या इतनी बड़ी हो जाए कि टेबल तो 40 तक ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा का टेबल आप पढ़ते नहीं है, तब आप कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है। तो चलिए मैं वही बता देता हूँ कि तब आप कैसे करेंगे। चलिए देखिए ज़रा किससे हम चेक कर रहे हैं, चार से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिखता हूँ, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ कि इफ नंबर 38428x इज डिविजिबल बाई 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये आपको चाहिए। अब आपको x की वैल्यू बतानी कि भैया x की वैल्यू क्या होगी, नंबर आपको दिया हुआ है 38428x इज डिविजिबल बाई 4, क्योंकि हम 4 से पढ़ रहे हैं तो 4 का ही पढ़ेंगे, मैंने कहा ना 4 को स्पेशली पढ़िए। तो कैसे करना है, अब मैंने 8 और x ले लिया, ठीक है, अब मैं क्या करूँ 4 से भाग लगाऊँ, 4 इधर से ऐसे ही भाग लगाऊंगा, मुझे तो बस दो अंकों से मतलब लास्ट टू डिजिट मैंने पढ़ा ना डिविजिबिलिटी, लास्ट टू डिजिट को मुझे चेक करना है, 4 से डिवाइड करिए, 4 × 2 = 8, अब मुझे बचा x, कॉपी तो मैं यही करूँगा। अब x ऐसा होना चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो, x ऐसा होना चाहिए सिंगल डिजिट में, क्योंकि डबल डिजिट नॉट अलाउ, डबल डिजिट तो वहाँ आ नहीं सकती, कि सिंगल डिजिट में x ऐसा होना चाहिए जो 4 से कटे, तो आपको 4 का टेबल यहाँ पढ़ देना है सिंगल डिजिट के लिए, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, डबल डिजिट नॉट अलाउ, डबल डिजिट को हम मान्य नहीं करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x = 4 and 8, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो आप उसको लगा सकते हैं।
तो मुझे बताइए कि यहाँ हार्ड क्या है। मुझे लगता है कि हार्ड कुछ है ही नहीं, मुझे लगता है कि हार्ड कुछ है ही नहीं। अच्छा चलिए, ये तो रहा कि भाई वो नंबर पे ऐसे ऐसे आ रहा है तो हमने इस तरीके से कर दिया, लेकिन अब मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बदल के देता हूँ, ठीक है ना। हम चार से पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पहले से ही पता है। चलिए कैसे बदल के देते हैं, वो कहते हैं कि इफ नंबर 4232x3 इज डिविजिबल बाई 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या पॉसिबल वैल्यू है x की, और इफ नॉट ये भी आप बता सकते। तो आप एक चीज बताइए मुझे, मैंने एक्स थ्री में मुझे भाग लगाना है, पहली बात तो मैं ये समझ लेता हूँ, एक्स थ्री में भाग लगाना है। मैं जब चार का टेबल पढ़ रहा हूँ तो आप देखिए, चार के हम चार, चार दो आठ, चार तीन बारह, दो चार चौक सोलह, चार चार पंजे बीस, चार छिंग चौबीस, चार सत्य अट्ठाईस, चार अट्ठे बत्तीस, चार नाम छत्तीस, चार जीरो जीरो। आप मुझे एक पूरे टेबल में एक चीज बताइए कि लास्ट डिजिट जो है, अब आप कह रहे हैं मैं 12 का 2 लिखा है, लास्ट डिजिट जो है चार के टेबल में ये आते हैं, लास्ट डिजिट जो चार के टेबल में आते हैं ये आते हैं। अगर ये डिजिट लास्ट डिजिट बनेंगे और इनसे इतर कोई लास्ट डिजिट है तो आप नॉट पॉसिबल लिखेंगे। क्या क्या आने हैं देखिए, चार के लास्ट डिजिट कौन से, चार के डिविजिबिलिटी में लास्ट डिजिट में लिख देता हूँ ऐसे, आप नोट कर ले चलिए, डिजिट्स इक्वल टू 0 2 4 6 8। ये पांच डिजिट के अलावा अगर कुछ आ रहा है, देखो 0 2 4 6 और 8, इनके अतिरिक्त अगर कुछ आ रहा है तो नॉट पॉसिबल किसी भी वैल्यू के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट ही नहीं कह रहा है कि भी नहीं कटेगा। लास्ट डिजिट ने ये कह दिया कि मैं नहीं कट रहा, तो फिर भाई कैसे कटेगा। जब लास्ट डिजिट अनुमति देगा तब हम एक्स को निकालने जाएंगे। तो क्या नो पॉसिबल वैल्यू, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस संख्या को डिविजिबिलिटी दे दे, जो इस संख्या को डिवाइड करवा दे, ठीक है। देखिए 1 3 5 7 9, मतलब और आने पर वो कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब और आने पर तो नहीं कटेगा। अब क्वेश्चन को अगर मैं जरा सा चेंज कर दूँ, समझ आ गए ना, पहले तो आपको ये देखना है, आंधे नहीं हो जाना है कि भैया पता ना क्या नहीं आ रहा था और उल्टा का पुल्टा लिख दें आप, और फिर कहें हमें गाली दें कि पता ना क्या पढ़ाया था हमें, तो ये चीज़ें बताई नहीं। तो चलिए मैं आपको और थोड़ा सा, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ 4, मैं लिख देता हूँ यहाँ 4, इफ नंबर 4232x4 इज डिविजिबल बाई 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए जरा कैसे करेंगे। तो भाई मेरे पास x और 4 बचा, ठीक है ये बचा। अब मुझे यहाँ तो 4 पता है, यहाँ सिंगल डिजिट ऐसा चाहिए कि जो इसको कट करे, सिंगल डिजिट ऐसा चाहिए जो इसको कट करे। तो यहाँ आपको याद आता है टेबल, यहाँ आपको याद आता है टेबल, और टेबल में आप ये चीज़ चेक करेंगे कि कौन कौन ऐसा है जो चार को लेकर एक से, भाई मैं यहाँ बना रहा हूँ टू डिजिट, टू डिजिट में हर बकेट में मुझे जाना है, हर बकेट में जाना है, तो मैं देखूँ पहले सिंगल 0 रखूँ तो कटेगा भाई, एक्स बराबर 0 0 4 हो जाएगा, 0 4 कटेगा, तो एक पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, समझे ना। मैंने अगर एक्स को 0 रख दिया तो कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ऑप्शन से पिक करना सर्वोत्तम आसान रहेगा, वैसे आप कर सकते हैं बड़ा आसान। देखिए अब मैं 1 रखूँ 14 बनेगा, नहीं कटेगा, 2 ऐसे क्रम से बढ़ते चलिए, 2 के साथ 24 बनेगा, 2 4 24, यस 2 के साथ बनेगी। इसके बाद मैंने 3 रखा, पहले 1 के साथ नहीं बना, 2 के साथ बना, 3 रखा, 3 34 बना, नहीं कटेगा, 4 रखा 44 बनेगा, कटेगा, 44 में 4 आ गया। अब ध्यान से समझ लीजिए, एक सीरीज पैटर्न देख लीजिए, 5 बना 54 बना, नहीं कटेगा, 13 चौका होता है 52, नहीं बना, 6 बना 64 बना, मतलब 64 बना तो कटेगा 6। इसका मतलब सिंपल सी एक चीज़ आ गई, इस उस अंदाज से मैं देख रहा हूँ कि जब जब ये इवन बनेगा तब तब वो कट रहा है। इस कंडीशन के लिए हर जगह के लिए आइडियोलॉजी ना लगाएं, क्योंकि जैसे ही मैं 2 लिख दूंगा कुछ और आने लगेगा,
तो ये फिक्स आइडियोलॉजी एक तैयार आप कर सकते हैं, थिंक प्रोसेस तैयार कर सकते हैं कि अगर चार आए तो इवन पे बनेगा, दो आए तो ऑड पे बनेगा, दो आए तो ऑड पे बनेगा, छः आए तो ऑड पे बनेगा, ऐसे ना ऐसे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, तो देखो अब इसके बाद मैं क्या लिख दूँ, आठ पे बनेगा, सात पे नहीं बनेगा, नौ पे नहीं बनेगा, दस पे मैं बनाने नहीं जाऊँगा। तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यू हो रही है, ये इसकी पॉसिबल वैल्यू हो रही है। अब देखिए सपोज दैट यहाँ दो होता, मेरी संख्या क्या होती है, मैं उस चीज़ को बता देता हूँ, आप फिक्स आइडियोलॉजी तैयार कर सकते हैं। टू एक्स टू होता तो एक्स टू में लेता। अब मैं देखिए जीरो पर जीरो टू नहीं बनेगा, नहीं कटेगा। अब मैं बारह ले लेता हूँ एक दो पर, तो एक पर बनेगा, ये बारह बन गया। मैं दो लेता हूँ बाईस नहीं बनेगा, तीन लेता हूँ बत्तीस बनेगा, कटेगा बत्तीस पे। मैं चार लेता हूँ बयालीस पे नहीं कटेगा, पाँच लेता हूँ तो कटेगा। मतलब मुझे अब यहाँ से फिक्स आइडियोलॉजी मिल गई कि अगर दो है तो मेरा ऑड बनेगा, है सात बहत्तर लिख दूंगा और बानवे लिख दूंगा, देखो आप कट करके के कट रहा है नहीं कट रहा है, बयासी लिख दूँ नहीं कटेगा। तो मैंने ये देखा कि चार के लिए इवन चाहिए, दो के लिए ऑड चाहिए, ऐसे ही मैं छः के लिए आइडियोलॉजी बना सकता हूँ। छः में रख दूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑड चाहिए। आठ में रख दूँ तो मुझे क्या चाहिए, इवन चाहिए। भाई जीरो पे कटेगा, अट्ठाईस पे कटेगा, अड़तालीस पे कटेगा, अड़सठ पे कटेगा, यानी उस समय इवन, यानी चार। और अब मुझे यहाँ से पता चल गई कि चार और क्या आठ, चार आठ होने पर और जीरो भी होने पर, ठीक है जीरो होने पर मुझे बनेगा इवन, इवन पर कटेगा। और दो और छः, पांच ही अंक तो थे, दो और छः होने पर मुझे सेकंड डिजिट बनना चाहिए ऑड। मैं इस आइडियोलॉजी को भी फिक्स के साथ पढ़ूँ, किसके लिए, सेकंड डिजिट के लिए। तो मैं आपको नोट में लिखवा देता हूँ, नोट में आप लिखेंगे, नोट में लिखिए, नोट में क्या समझ आया अभी तक इसका, इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन निकला कि इफ़ लास्ट डिजिट कौन सा, फोर एट जीरो, देन सेकेंड लास्ट डिजिट विल बी इवन। कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए पहला। दूसरा, इफ लास्ट डिजिट क्या टू एंड सिक्स, देन सेकेंड लास्ट डिजिट विल बी ऑड। सेकेंड लास्ट डिजिट आपको क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, आप ये चेक कर सकते हैं। तो अब आपको चेक करना ही नहीं है, और तीसरे जगह पर जाकर एक्स आए तो ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। या तो फर्स्ट के लिए मैंने बताया, फर्स्ट के लिए तो आपको क्या, ये इसी में नोट में एक तीसरा लिख लीजिए। तो लास्ट डिजिट तो आपको पता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो, चार से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट आपको इवन वाले होने चाहिए, दो जीरो चार, दो दो भी आया था, दो चार छः आठ होना चाहिए। अब यहाँ से आप एक आइडियोलॉजी और बना सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये लास्ट डिजिट से होने चाहिए जीरो दो चार छः आठ, और यहाँ लास्ट डिजिट के बाद सेकंड लास्ट डिजिट आपको चेक करना है। अगर जीरो चार एट है तो इवन चेक कर लो, मान के चलिए संख्या आपको चार सात तीन दो पाँच दे रहे, पाँच नहीं दो, दो लिख देता हूँ। तो भैया दो के लिए क्या होना चाहिए, दो के लिए ऑड होना चाहिए यहाँ, और यहाँ है इवन। मुझे बिना भाग लगाए मैं बता दूंगा नो, मैं बिना भाग लगाए बता दूंगा नो। यानी ये छोटी छोटी जो थिंक प्रोसेस है ना, ये आपको बड़ा करती है, ये आपको क्या करती है, बड़ा करती है। और यहाँ से मैं आठ के लिए विवेचना लेके जा रहा हूँ, मैं आठ को आपको करना सिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ देखा कि इवन आ रहा है दो और छः के लिए, बस दो और छः के लिए याद रख लिए, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं। दो और छः के लिए लास्ट डिजिट अगर दो और छः है तो ऑड होना चाहिए, लास्ट डिजिट दो और छः के लिए ऑड होना चाहिए, वरना इवन होना चाहिए। अब देख लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, सात तीन दो चार, और मैं यहाँ चार ले लूँ, तो चार के लिए मैंने बताया ना इवन होना चाहिए, यस इवन है, यस कटेगी। आपको भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कितनी भी बड़ी नंबर आ जाए, सेवन फोर नाइन टू नाइन फोर, अब मुझे बताइए फोर के लिए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और ये तो है ऑड, तो ये नो, मैं चार से भाग लगाने भी नहीं जाऊंगा, मैं चार से भाग लगाने भी नहीं जा रहा हूं, जब मुझे ये पता है कि चार एट एंड जीरो के साथ मुझे इवन चाहिए सेकंड लास्ट डिजिट,
और मुझे 2 और 6 के साथ मुझे क्या चाहिए, ऑड चाहिए, सेकंड लास्ट डिजिट मुझे ऑड चाहिए। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही होगी आपको, मैं कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज समय बचाने के लिए हमें बहुत चीज़ें करनी होंगी। अब यहाँ से आप ये चीज़ें सीख गए कि 4 की डिविजिबिलिटी कैसे कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 4 की डिविजिबिलिटी में। चलिए इसके बाद इसके ख़ानदान को और लिए लेते हैं, इसके ख़ानदान में और कौन था, 8 से लास्ट के 3 डिजिट, ये पढ़ा था ना, लास्ट 3 डिजिट्स, आपको क्या पढ़ना है, लास्ट के 3 डिजिट्स को आपको चेक करना है, और वो अगर 8 से कटे तो कटेंगे, 8, 2, 3, 4, 5, 2, अभी मैं एक्स नहीं लेता हूँ, 2 और 3। अब आप इसको चेक करके बताइए, अब आप इसको पहले तो 3 तो आएगा तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि मैं 8 के टेबल को एक बार ऑब्जर्व कर लेता हूँ, 8 के टेबल को मैं क्या ऑब्जर्व करूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 2 4 0 2 4 6 8, मतलब यहाँ भी आपको क्या चाहिए, इवन ही चाहिए, तो ये तो नो, ये तो देखते ही बता देंगे, आप 3 डिजिट भी चेक करने नहीं जाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 से होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये आ गई, क्योंकि 8 का टेबल इन्हीं में तो जा रहा है, ठीक है, 2 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, यानी पहला कंडीशन ये कि 2 के खानदान को लास्ट डिजिट इवन चाहिए, 2 का खानदान है ना, इनका कहना ये है कि भैया लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। चलिए वो कंडीशन भी हम पार कर देते हैं, इसको जो है एक और कंडीशन में बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आप समझिए जरा, मुझे लास्ट के 232 को 3 डिजिट को भाग लगाना है, 8 दूनी 16, 5 बचा 2 से 8 6 48, और मुझे बचा 4, ठीक है, ये तो रिमाइंडर बच गया, नहीं कटा, ये तो रिमाइंडर, 8 दूनी 16, 7, अरे गलती हो रही है, 7, हम भी कुछ से कुछ कर रहे हैं, 23 में से ये घटे 7 2। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 8 नाम 72, ये पूरा कट गया, मुझे यहाँ से चीज़ें समझनी है, ठीक है, मुझे यहाँ से चीज़ें समझनी है। अब आप एक मेथड मैं आपको देने वाला हूँ, आप उसको चीज़ को चेक करेंगे। दूसरा मैं एक और नंबर लिख लेता हूँ, 4 7 3 2 7 4 2, अब इसको अगर मैं चेक करूं तो 742 को मुझे किससे भाग लगाना है भाई, 8 से भाग लगाना है, ध्यान दीजिए, 8 नाम 72, चलिए 4 से 2 और 2, अब तो नहीं कटेगा ना, 8 दूनी 16, 6 रिमाइंडर आपका बचा रहा। तो अब आपको एक चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ, और देखिए अभी नंबर को आप खेल को देखिए, इस नंबर के खेल को, यहाँ है ऑड, यहाँ है इवन, ठीक है, आप ऑड और इवन अभी मेजर कर रहे हैं, इसमें आया आपका नो और इसमें आया आपका यस, तो एक तो मेथड आपको यही है, तो ये तो आप मेथड जान ही रहे हैं। दूसरा अभी आप थोड़ी सी और चीज़ें समझिए, यानी ऑड पे आप ये समझिए, इवन पर आप ये समझिए, मैं आपको एक नया तरीका ईजाद करके दूंगा जिससे आप और कुछ बेहतर विजुलाइज कर पाएंगे। मैं 4 6 8 3 4 2 लिए लेता हूँ, ठीक है, ऑड लिए लेता हूँ, नहीं 4 2 तो उसमें भी आ रहा है, इसको मैं यहाँ लिए लेते हैं, कितना 2 8 लिए लेते हैं, 3 2 8। अब मुझे इसको क्या करना है भाई, मुझे 328 में भाग लगाना है, किससे, 8 से, 8 चौक 32, 8 का 8, 8 एकम 8, ऐसे कर दिए ना, 8 एकम 8, तो ये कट पा रहा है, आप ये समझिए। अब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं अगर थर्ड डिजिट को इस तरह देखूं, थर्ड डिजिट को मैं ऑड और इवन देखूं, देखिए ऑड है थर्ड डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर +4, ये आप करके चेक कर लीजिए, अगर +4 करके वो कट रहा होगा तो कटेगा, ठीक है, और इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट को डायरेक्ट चेक कर लीजिए,
लास्ट टू डिजिट, अगर लास्ट इवन होने पर लास्ट के टू डिजिट डायरेक्ट रखे तो ऐसे ही कट रहा होगा। यानी यहाँ अगर मैं ये नंबर थोड़ा सा बदल दूँ, 468428 कर दूँ, तो क्या इस बार भी कटेगा? देखिए ज़रा, अब मुझे 8 से भाग लगाना है, 8 × 5 = 40 और 2 बचा 8 बचा, ये तो नहीं कट रहा, ठीक है, 8 से ऐसा कोई टेबल नहीं है। तो मुझे इवन पर डायरेक्ट चेक करना है, इवन पर डायरेक्ट चेक करना है कि अगर इवन नंबर आ रहा है तो लास्ट के टू डिजिट कटने चाहिए 8 से, और अगर ऑड नंबर आ रहा है तो 4 प्लस करके आना चाहिए। देखिए मुझे ध्यान दीजिए, मैंने दो नंबर और लिख रखे हैं, यहाँ इवन था 32 को डिवाइड किया 8 × 32 यस कटा, यहाँ ऑड था 4 प्लस किया 40 बना, नहीं कटा, ठीक है, और नहीं कटा क्योंकि ये था ऑड, और ऑड में मैं इसमें 4 प्लस करके जोड़ूं तो 40 हो गया और 40 8 के टेबल में नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छी विवेचना है, बहुत हमारे काम आने वाली है। तो मुझे ये चीज़ बड़े आसानी से पता चल गई कि भैया मुझे जो है ये हेल्प करेगी जब मैं एक्स पहचानने जाऊँगा। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट डिजिट एक्स हो तो बड़ा आसानी से आप पहचान सकते हैं, रख के आप निकाल लेते हैं ऑप्शन को, आपने तरीका क्या बना लिया, चारों ऑप्शनों को रख दिया ये, लेकिन चारों ऑप्शनों में से इनमें से कोई नहीं आ गया, कुछ और ऐसा विवेचना हो गई। तो आप इस चीज़ को समझिए, आप इस चीज़ को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो चीज़ें आप विशेष समझ लीजिए। चलिए मैं नोट में लिखवा देता हूँ, 8 से नोट लिखेंगे आप। लास्ट के 3 डिजिट आपको पता ही है, लास्ट 3 डिजिट्स ये तो आप पहले से ही पर जानते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स। अब देखिए, पहला इफ थर्ड डिजिट ऑड, थर्ड डिजिट इज ऑड, देन आपको क्या करना है ऑड पे, बताइए ऑड पे क्या करना है, आपको 4 प्लस करना है, तो लास्ट टू डिजिट्स प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल भी आप लिख सकते हैं, जैसा भी आप लैंग्वेज लिखना चाहें लिख लीजिए। अगला देखिए, इफ थर्ड डिजिट इज इवन देन लास्ट टू डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है, ये आपको समझ आया कि आप ऑड है अगर है तो 4 प्लस करके चेक कर लीजिए, और इवन है तो आप सेम टू सेम कर लीजिए। अब देखिए थर्ड डिजिट में अब कितना आसान हो रहा है, 3 × 2 = x5 2। अब आपसे ये पूछ ले कि भैया x बता दीजिए कि जब ये कटे, और 8 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 8, अब आपको ये x की वैल्यू चाहिए। अब एक बात बताइए, आप यहाँ मान के चलिए वैल्यू रख रख के भाग लगाने गए, चार ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शनों को रख रख के आप भाग लगाने गए, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो जितनी देर में आप भाग लगा रहे होंगे उतनी देर में 4 क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। तो मैंने अभी बताया कि भैया एक तो इवन वाला चेक कर लीजिए, इवन वाला अगर ये एक्स इवन है, इफ एक्स है इवन, तो मुझे क्या करना चाहिए, 52 कटना चाहिए सीधा सीधा लास्ट के टू डिजिट, 8 से 52 कटता नहीं है, मतलब ये इवन तो नहीं बन रहा है, इवन तो नहीं बन रहा है, इवन नहीं बन रहा है तो इवन वाले ऑप्शन हटा दीजिए। अब मैं 4 प्लस करूँ, 52 में मैंने 4 प्लस किया तो बना 56 यस, ये डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर है ये ऑड है, ये जो नंबर है ये क्या है, ये है ऑड, समझ पा रहे हैं ना, कितना आसान विवेचना हो रही है। आप वैल्यू पुट कर करके रख रहे होते तो तब वो एक अलग कंसेप्ट होता, और अब आप कितना आसान कर पा रहे हैं ये समझिए, हो रहा है आसान या नहीं, खूब समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ इवन रख देता हूँ तो नहीं कट रहा, और मैं चेक करके भी बताऊँगा। आप देखिए यहाँ मैं हटा देता हूँ इसको, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इवन रख के और ऑड रख के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे ये चीज़ें, कैसे कैसे इस फॉर्मूले को ये मान रहा है। देखिए चलिए, तो भैया इवन और ऑड रख के हम आपको चेक करा रहे हैं, ज़रा चेक करिए। मैं यहाँ रख लूँ इवन, मैंने रख लिया 252, मान के चलिए ऑप्शन में 252 दे रखा है, मैंने 8 से डिवाइड किया और 8 × 3 = 24, 1 = 2, तो ये तो नहीं कटा, 12 तो नहीं कटेगा। मैं रख दूँ 4 8 से, और ये ऑप्शन दे रखे हैं, मान के चलिए 4 × 8 = 40, 2 = 2, 8 × 6 = 48, नहीं कटा,
ठीक है, आपने अब आठ ऑप्शन में दे रखा, आठ आठ बावन ऐसे रखा, आठ एकम आठ, पांच कॉपी किया ना जाने की जीरो, दो आठ छिंग अड़तालीस, फिर भी नहीं कटा, मतलब और देखिए इवन इवन चार हो गया, आठ हो गया, दो हो गया, छः भी रख के दिखा देता हूँ, दो आठ से डिवाइड करें, आठ आठ छः आठ अट्ठे चौंसठ, एक दो, भैया ये नहीं कट रहा है इवन होने पर। अब मेरा कितना आसान काम हो रहा था कि अगर मैंने थर्ड डिजिट को इवन और ऑड पहचान लिया तो मैं बड़ा आसान, अब मैं रख के दिखाता हूँ आपको ऑड कि ये ऑड पर इस चीज़ को मानेगा या नहीं मानेगा। चलिए हमने अब ऑड जो ऑप्शन में देखे उनको आंसर कर दीजिए। और भी एक और ख़तरनाक चीज़ देखिए, आपको अगर ऑप्शन एक दो दे रखे हो तो आसान है, ऑड दे दिए, ऑड में ऑप्शन में दे दे कि वो तीन से दो पाँच और तीसरा सात और चौथा नौ, ठीक है ये दे दिया जाए कि ये है एक्स की वैल्यू, ठीक है, और पांचवा ऑप्शन भी लिख देता हूँ ऑल। अब आपने क्या किया कि तीन रख के आपने चेक कर लिया, तीन से कट गया, आपने तीन टिक किया तो आप गलत हो गए। अब देखिए 352 को कट करेंगे, करने देख लीजिए करके देखने में क्या है, आठ से आठ चौक 32 कितना बचा, तीन आठ चौक 32, भैया तीन की इस चीज़ को तो ये कर गया पार, पाँच को रखें, पाँच पाँच दो ऐसे रख लूँ ना, आठ छः 48 ठीक है, पाँच और दो सात बचा 72, आठ नाम 72, पाँच के उसको भी पार कर गए, सात को रख के चेक कर लेते, सात पाँच दो आठ से आठ नाम 72, तीन आठ चौक 32, देखो कितना आसान हो रहा है। अब मैं अब क्या करूँ, नौ को भी रख के देख लेते, नौ पाँच दो ठीक है, आठ आठ एकम आठ, एक बच्चा आठ एकम आठ, सात बच्चा दो, आठ नाम 72, देखिए नौ को पार करके, अब बचा एक और उसको भी चेक करा देता हूँ, एक पाँच दो, आठ से आठ एकम आठ कितना, सात दो आठ नाम 72। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऑड पर सभी उसको क्लिक कर रहा है, सभी उससे डिविजिबल हो रहा है। तो जो आपने अभी तक मेथड पढ़ा था वो सफिशेंट था आपकी इस कंडीशन को फिलफिल। आप गलती ना कर लें, कूट के साथ दे दिया जाए कि बस इन दोन से कटेगा, इससे कटेगा, उससे कटेगा, तो गलती होने के चांस ज़्यादा है। इसलिए आप फिक्स पढ़िए, मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ कि थर्ड डिजिट क्या होना चाहिए। थर्ड डिजिट को आप चेक करेंगे, थर्ड डिजिट ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऐसे, एक दो तीन ऐसे चेक करना है। अगर ये है इवन, ये क्या है इवन, तो डायरेक्ट डिविजिबल होना चाहिए एट से, यस ठीक है। अगर ये है ऑड तो प्लस चार डिविजिबल बाई एट से होना चाहिए, यस। अगर इन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो आपका ये मेथड आपको फुलफिल करेगा, बताएगा कि डिविजिबल बाई एट है। अगर इस चीज़ को ये फुलफिल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये डिविजिबल नहीं है, ये आप समझिए, स्पेशली समझिए। और इससे आपको एक और चीज़ आसान होगी कि जब ऑर्डर इवन चेक कर लेंगे तो आपको ये पहचानना है कि क्या करना है। देखिए मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ कि इसके बेनिफिट क्या हैं। अब आपको बीच में मैंने चलिए कोई क्वेश्चन वो दे रखा है, थर्ड डिजिट को पहचानना सीख गए कि भाई ऑड इवन पहचान लीजिए और उससे पता चल जाएगा कि थर्ड डिजिट आपका क्या होने जा रहा है। देखिए अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 83215x4 लिख देता हूँ, x4 इज डिविजिबल बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, आपको ये चाहिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन है आपको। अब आपको ये चाहिए कि इज डिविजिबल बाई 8 है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब आपको पता है कि भैया इवन और ऑड का कंसेप्ट आपको आता है, इवन और ऑड अगर आपको आ रहा है तो उसको आप यूज करिए। आपने देखे कि भैया यहाँ है क्या तीसरा डिजिट, मैं तो थर्ड डिजिट चेक करना है ना, मुझे कुछ और थोड़े ना करना, मुझे क्या करना है, देखिए 5x4 ये है, मुझे तो इसमें चेक करना है, ये है जी भैया ऑड, क्या है ऑड, मेरा ऑड लिख के मैंने लिख दिया ये, मुझे चार प्लस करना है तो मेरा 8 और x ये हो गया। अब मुझे 8 के टेबल में ये चेक करना है कि ये किस किस पे कटेगा जब 8 बनेगा,
जब ये 8 बनेगा ये कब कब कटेगा ये बता दीजिए, क्योंकि ऑड ये कहता है कि भाई 4 प्लस करके कटना चाहिए। ऑड में अभी मैंने पीछे बताया कि 4 प्लस करके कटना चाहिए ऑड होने पर। अब देख लीजिए कितना आसान हो गया, अब आपको भाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन से उठा के रखने की आवश्यकता नहीं। देखो 0 रख दूँ तो कटेगा, यस कटेगा। 1 रखूँ 18 नहीं कटेगा, 2 रखूँ 28 नहीं कटेगा, 3 रखूँ नहीं कटेगा, 4 रखूँ कटेगा। मतलब 4-4 का गैप है। अब मुझे 5 सोचना नहीं पड़ेगा, 58 पे नहीं कटेगा, 68 पे नहीं कटेगा, 72 पे नहीं, 78 पे नहीं कटेगा, 88 पे कटेगा। आप ये ही बता देता है कितने डिफरेंस पर जाके कटेगा, कुछ चेक ही नहीं करना मुझे भाई। 0 ने कट कर दिया 4-4 का डिफरेंस, 1 पे कट होता 4-4 का डिफरेंस। देखिए जरा आप देखिए ना 8 के टेबल की नेचर, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। देखिए कितने गैप पर लौट कर आया है, बीच में 4 टेबल पढ़ा के तब लौट के आया है। और इसके बाद आगे भी देख लीजिए आप, इसके बाद आगे भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ से एक को देखिए, अब आप इसको देखिए 5 पे कितना 56, देखो यहाँ से ये भी 4 बार, यहाँ से ये भी 4 बार। आप सोचिए ज़रा कैसे होगा, आ रहा है ना समझ में? तो आप समझिए कि आपको कैसे करना है, 4-4 का गैप लगा देना है। अगर आपने टेबल को भी अच्छे से कंसेप्शनली पढ़ा होगा, ऐसे नहीं कि 8 का टेबल आपको आता है तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए कि आप इन चीज़ों को आसानी से अच्छे से कर पा रहे होंगे, आप इन चीज़ों को बेहतर कर पा रहे होंगे, आप इन चीज़ों को विजुलाइज, जो आपने पढ़ा है ना उसी का निचोड़ है, उसको ही एक बेहतर तरीके से पढ़ना पढ़ना है, बस कंपटीशन ये है। और मैं आपसे कहता हूँ कि कंपटीशन कोई और को जीतना कंपटीशन नहीं है, जिस दिन आपने अपने आप को जीत लिया आप कंपटीशन पार कर गए। तो देखिए 3rd डिजिट से आप समझ पा रहे होंगे कैसे कैसे करना है मुझे, तो ये आइडियोलॉजी मुझे बनानी है भैया, मुझे बस एक पहला डिजिट मिल जाए फिर उसके बाद पॉसिबल वैल्यूज तो मैं 4-4 के डिफरेंस से पहचानता रहूँगा, मुझे पता है कि 4-4 का डिफरेंस पर बनेगा, उसका 4 प्लस करते चले जाइए आपको आंसर मिलता चले जाएगा। तो ये आप आसानी से पहचान पा रहे हैं, ये आप आसानी से पहचान पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये हो जाए, देखिए यहाँ से थोड़ा सा बदल देता हूँ, ठीक है, ये कह दे कि 2 3 2 5 2x इज डिविजिबल बाई 8, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो मैं फिर देख रहा हूँ कि यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, और देखो कितना आसान हो रहा है, प्लस 4 यानी 24 हो गया प्लस x, क्या जोड़े 24 में कि x जुड़ के 8 से डिविजिबल हो जाए। इसको नंबर को भी नहीं बढ़ाना है मुझे, नंबर को भी नहीं बढ़ाना है क्योंकि मैं बढ़ा नहीं सकता, सिंगल डिजिट चाहिए, तो मैं यहाँ 0 रखूँ तो ही पॉसिबल है। देखो 24 कटता है, मैंने ऑड देखते ही मैंने 4 प्लस करना था तो 24 प्लस एक्स हो गया, मैंने उधर उल्टा पुल्टा कर दिया ना, तो 0 कितना आसान हो गया। अगर आपने ऑड इवन को सीखा बेटा बच्चा, अगर आपने ऑड इवन को सीखा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, आपसे बेहतर हो ही नहीं सकता। देखिए कितना आसान है, बताओ 0 का ले 8 रखने जाओगे 8 4 32, बढ़ाने की अनुमति नहीं, कैरी मार्क्स की मुझे अनुमति नहीं है क्योंकि मैं कैरी मार्क्स नहीं ले जा सकता, मेरी फिक्स है, मेरी संख्या फिक्स है, मैं कैसे कैरी मार्क्स लूँ। देखो अब अगर यही संख्या मैं बदल दूँ थोड़ा सा, 2 3 2 4 2x ये कर देता, समझिए जरा, तो भाई मुझे ये है इवन, इवन में मैं कुछ जोड़ता नहीं हूँ, केवल 2x पर ही चाहिए, इवन में मैं कुछ जोड़ता नहीं हूँ, मुझे 2 के टेबल में ही चाहिए, सीधा सीधा चाहिए, तो x को मैं क्या रखूँ, 4 रखूँ, 24 पे ही तो कटेगा। 8 के उस बकेट से मैं ये देखने चला जाऊँ कि 24 इस 2 के बाद 2 डिजिट नंबर में, 2 और 2 से स्टार्ट नंबर में 8 कहाँ कहाँ कट करता है, 8 3 24, 8 4 32, हर एक बकेट में एक बार डिवाइड करता है, तो वो एक नंबर ढूंढना है, तो पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, बड़ा आसान हो गया, 4 के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन से भी जाते तो भी आपको 2-4 सेकंड तो लगती भाई, आप कितने भी एक्सपर्ट होते, लेकिन यहाँ आप इस कदर एक्सपर्ट हो गए हैं कि आपको दिक्कत ही नहीं होनी। चेक करो आप, देखो कितना आसान है, बस
आप नंबर बोलिए तो सही, आपने लिखा 8423X2, बताइए ज़रा। आपने यहाँ देखा ऑड, चार प्लस करना है तो छः, मैं डायरेक्ट 56 में कितना, 5, 1, 4 का नीचे भी चला जाओ ऊपर भी चला जाओ 9, कितना आसान हो गया। 159 के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, 159 के अतिरिक्त, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो एक नंबर कोई सा भी ढूंढ लीजिए उसके चार नीचे चार ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि चार चार का बकेट चलता है। अभी थोड़ी देर पहले ना पढ़ा मैंने टेबल, टेबल को गौर से ना पढ़ा, चार चार, अब देख ली 16 पे कटेगा, 56 पे कटेगा, 9 पे कटेगा, 96 पे कटेगा, कटेगा ना, ये 2 का 6 कैसे कर दिया मैंने, 4 प्लस कर दिया, कितना आसान है, सिंपल सा समझिए। आप एक बार पढ़िए तो सही भाई, देखिए मुझे बताइए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आप रोते भी घूमते रहते हैं, अरे सर कैरी मार्क्स गलत हो गया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, भाग लगाते समय 2 भागों को अच्छा किया, भाई 2 भागों को कर क्यों रहा है, फिर वो डिविजिबिलिटी पूछ क्यों रहा है, अगर भाग लगवाना होता तो भाग वाला क्वेश्चन ना पूछता आपसे, वो डिविजिबिलिटी में आप कितना कंसेप्शनल मजबूत है ये पूछ रहा है। तो चलिए देखिए 8 2 3 2 X 3 3 नहीं 4 लिख देता हूँ 4। अब बताइए आप, आपने यहाँ देखा इवन, इवन का मतलब भैया कुछ नहीं, मुझे X4 चाहिए, X4 में 8 से डिवाइड वाला चाहिए, डिवाइड वाला चाहिए, क्योंकि इवन में मैं डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट देखिए 2 24 पे 4 जोड़ दिए, नीचे घटाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, 4 जोड़ दिए 6, 6 जोड़ा 0, यही 2, यानी 1 0, 0 मैं ले नहीं सकता क्योंकि 0 4 तो नहीं कटेगा ना, 8 से डिविजिबल चेक करना है, 24 कटेगा 64 कटेगा, इसके बाद 0 4 कटना चाहिए, 10 बनता है 104 बनता, वो कटना ही नहीं क्योंकि मैं तो सिंगल डिजिट पे चलता हूँ। देखो इसके अतिरिक्त क्या कट जाएगा, 24 और 64 के अतिरिक्त मैं कुछ और ले लूँ, इवन में मुझे कुछ जोड़ना नहीं है, इवन में मुझे कुछ जोड़ना नहीं, सेम टू सेम को देखना है। अब इसको अगर मैं ये कहूँ कि भैया देखो इसको क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं, इवन में मुझे कुछ नहीं जोड़ना, ये होता 7 2 3 2 5 और 2 8 X लिख देता हूँ, यहाँ X लिख देता हूँ X 2। तो अब मुझे थर्ड नंबर चेक करना है, इवन है भाई, इवन में मुझे कुछ नहीं करना होता, इवन में मुझे कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट चेक करना है, तो यहाँ से 3, 3 से नीचे 4 ला नहीं सकता, ऊपर जाइए 7, ऊपर जाइए 4 11 है, 7 3 और 7 के अलावा कुछ नहीं होगा, 32 कटेगा 72 कटेगा, बिल्कुल आसान आपको हो रहा है, देखिए ज़रा, इवन में मुझे कुछ जोड़ना नहीं होता, सीधा सीधा ऑड में मुझे जोड़ना होता है, बस बताओ आप बताइए कि मुझे दिक्कत कहाँ हो रही है, आप बताइए कि मुझे कहाँ सोचने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल आसान, तीनों तरह के मैं जगह जगह तीनों जगह एक्स एक्स रख के दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, इस 2 को हटा दूँ, ये संख्या हो जाए, तो मेरा ये थर्ड नंबर क्या हुआ, ऑड हुआ, ऑड में मुझे 4 जोड़ना है, पहले भी मैं बता चुका हूँ 24 प्लस एक्स, एक्स को तुरंत देख लीजिए क्या जोड़े, 0 0 जोड़े, ठीक है 0 जोड़े, तो 24 का 24, कुछ और नहीं जोड़ना, लास्ट डिजिट पे आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जोड़ना और घटाना चेक करना है, और जोड़ के फिर मैं उसकी पॉसिबिलिटीज देखूं, और इसमें आप 4 ऊपर नीचे ना करें, सेकंड डिजिट में आप 4 ऊपर नीचे करेंगे, फर्स्ट डिजिट में आप 4 ऊपर नीचे ना करें, कभी आप कहेंगे अरे 4 ऊपर नीचे कर दें, क्योंकि 8 जैसे ही जोड़ा एक और बकेट आपको गया, फर्स्ट डिजिट पे 8 आगे जा दें, 32 होगा, 32 में आप कैरी मार्क्स ले लेंगे, कैरी मार्क्स अनुमति नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, आपको यहाँ दिक्कत है कि ये सर ये नहीं हो पा रहा है हमसे, बिल्कुल आसान हो पा रहा है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए और शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जो ये कहते हैं कि नहीं जी इससे डिविजिबिलिटी में, भैया हम तो 3 वाले मेथड को लगाते हैं, आप 3 वाले को करिए, 2 या 3 दिन कंटिन्यूसली आप 15-15, 20-20 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान होगा। मैंने आपको लिखा हुआ है 3 डिजिट इस तरह चेक करने, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, आप इस तरह से चेक कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए 8 के कुनबा 2 का कुनबा हो गया, 16 से आप अपने आप में बेचना कर लीजिए, ज़्यादा पूछता नहीं है। अब मैं एक और खानदान 5 से और 10 से, इसको और जल्दी बता देता हूँ, 5 से लास्ट डिजिट को आप चेक करेंगे, लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। और 25 से अगर आप चेक करने जाएं तो 5 की पावर 2, लास्ट टू डिजिट आपके क्या होने चाहिए, 5 25 से डिवाइड होने चाहिए, 5 का खानदान देख लीजिए भैया, लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होने चाहिए। एक बार पूछा कि भैया क्वेश्चन बता दीजिए, 4 4 7 2 2 5 और 2 6 5 था,
मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जो पूछा गया था 6-5, और पूछा कि भैया 25 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे था कि निम्नलिखित में वह संख्या कौन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त है, 25 से पूर्णतः विभक्त है। और एक ऑप्शन में ये, दूसरे ऑप्शन में 7, 2, 5, 3, 2, 4, 5, तीसरे ऑप्शन में, और बहुत लंबी लंबी संख्या थी, मैं ऑप्शन कम करके लिख रहा हूँ, 4, 8, 5, और चौथा ऑप्शन 8, 2, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 5, ठीक है। ये था, अब आपने बड़ा सोचा कि यार 25 से कौन सी होगी, तो आप भाग लगाने बैठ गए, भाग लगाने बैठ गए तो हो सकता है कैरी मार्क्स हुआ और आपसे गलत हो गए। आपको क्या करना है, लास्ट कटू लीजिए 65, 25 से नहीं तुम नहीं कटोगे, 45, 25 से नहीं, 85 नहीं, 25 यस 25 से, कितना आसान हो रहा है। अगर आप कंसेप्शनली चीज़ों को पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं। आप दिक्कत क्या करते हैं कि आप नहीं आदत हो जाती है। वो प्रोफेसर और मेढक की कहानी सुनी है ना, दो दोस्त थे, एक प्रोफेसर हो गया, एक ने दुकान खोल ली। पहले जब कभी प्रोफेसर मित्र अपने मित्र से मिलने जाते थे तो उस दुकान पर बहुत भीड़ होती थी, समय नहीं मिलता था बात करने के लिए, लेकिन प्रोफेसर साहब मित्र तो मित्र हैं, थोड़ी देर बात की और अपने चले आए। लेकिन इस बार जब प्रोफेसर साहब अपने मित्र दुकानदार मित्र से मिलने पहुंचे तो उसके पास समय समय था, खाली बैठा है। तो प्रोफेसर मित्र ने कहा कि भैया आप जो हैं, आपकी दुकान तो कम चल रही है भाई, पहले तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, आप मुश्किल से एक आध मिनट मुझसे बात कर पाते थे, और अब तो आसपास बहुत दुकानें खुल गई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो कोई नहीं, हो जाएगा, ये समय है, टल जाएगा, ये मार्केट में कितना कंपटीशन करेंगे मुझसे, मैं पुराना खिलाड़ी, ठीक है, पुराना खिलाड़ी हूँ, मुझसे क्या कंपटीशन करेंगे। जब अब प्रोफेसर साहब की बात को वो मानने वाला नहीं, उसने टाल दी कि मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, मार्केट से कोई फ़र्क नहीं, जाएंगे कहाँ घूम के, अब कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेसर साहब ने दुकानदार मित्र से कहा कि आप समय निकाल के थोड़ा सा घर आइए। प्रोफेसर साहब उसको घर लाए, घर वो आए तो उन्होंने वो अपनी लैब में ले गए, लैब में ले गए तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, मेंढक को पानी में डाला और नीचे से गर्म करना स्टार्ट किया, नीचे से उस पानी को गर्म करना स्टार्ट किया। जब पानी गर्म हुआ तो मेंढक ने थोड़ी उछल कूद की, लेकिन मेंढक में एक खूबी होती है कि वो टेम्परेचर के तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो थोड़ा सा उसने एडजस्ट कर लिया अपने गर्म पानी, उसमें गर्म पानी में तो उसने एडजस्ट कर लिया, उन्होंने और टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ी देर फिर उछल कूद की, फिर उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ठीक है, फिर उन्होंने और गर्म किया तो फिर उसने एडजस्ट किया, लेकिन जब ज़्यादा गर्म हो गया तो मेंढक ने कोशिश की, और मेंढक ने कोशिश की तो वो कोशिश नाकाम हुई और वो मर गया। तो दुकानदार मित्र ने कहा अरे यार तुमने तो मेंढक की हत्या कर दी। तो प्रोफेसर मित्र ने कहा कि मैंने मेंढक की हत्या नहीं की, मेंढक खुद मरा है। जब वो पहली बार में उस कंडीशन से निकल सकता था, छलांग लगा सकता था क्योंकि शरीर में शक्ति थी, उस समय उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया और उसने उसको टेम्परेचर एडजस्ट करने में लगाई, ना कि उसने इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए। और तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम भी तो एडजस्ट के नाम पर अपने आप को मार रहे हो, तब जाके उनको समझ में आई। तो आप एडजस्ट के नाम पर अपने आप को ना मारें कि नहीं नहीं हम तो ये मेथड कर लेंगे यही सफिशिएंट है। भाई आप ये समझिए कि मेथड के साथ साथ वो टाइम को बचाने वाला मेथड भी होना चाहिए। अब इतना लंबा मेथड पढ़ के एक क्वेश्चन करने गए तो क्या करने गए, आप समझिए। 25 से आप जब चेक करने जा रहे हैं तो आपको लास्ट के 2 डिजिट, अब डिवाइड वाला मेथड है, बहुत से कहते थे अरे नहीं नहीं इसमें क्या पढ़ना, डिवाइड से कर लीजिए काम चला लीजिए। मैं कहता हूँ आप डिवाइड से काम क्यों चलाएंगे। चलिए देखिए 25 से क्या हुआ, लास्ट के 2 डिजिट। अब चलिए 25 से तो आप भाग बहुत आसान लगा पा रहे थे, मैं कह दूं कि भैया 125 से डिविजिबिलिटी बता दीजिए, क्या करना है, 125 से संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त हो। तो मैं 125 से बता देता हूँ आपको, पहले तो मेथड 125 से क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट, क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट। और ऑप्शन देखिए, अब आपको ये नहीं पता होता 4, 5, 2, 3, 2, 5 इतनी बड़ी संख्या, दूसरा 4, 8, 7, 8, 3, 2, 1, 2, 5, 2 नहीं, 5 का 5 लिख देते हैं, ठीक है, और इसके बाद अतिरिक्त 8, 7, 8, 9, 8, 7, 2, 1, 2, 5, 3, 5, 0 ये लिख दिया। चौथी संख्या उन्होंने 8, 7, 8, 9, 2, 7, 9, 9, 6, 2, 5 ये लिख दिया।
ठीक है, आपसे कह दी कि भैया बताइए 125 से पूर्ण तक कौन सी हो, और आपको ये मेथड आता नहीं है, आपको नहीं पता कि लास्ट के तीन डिजिट चेक करने, आप भाग लगाने बैठेंगे तो टाइम बहुत लगाएंगे। अगर आपने छोड़ने का मन बनाया तो एक क्वेश्चन गया, तो क्यों ना हम इन मेथडों को सीखें। तो 125 से मुझे क्या करना है, लास्ट के तीन डिजिट चेक करना है। मैंने बताया लास्ट के तीन डिजिट 125 दूनी 250, 250 दूनी, ऐसे ऐसे खेल लो ना, 125 का टेबल पढ़ लो, 250, और नहीं भी आता जोड़ते रहिए भाई, 5, 7, 3 375, 5 जोड़े तो 500, 25 जोड़ा 400, 500, 625 हैं, 625 में और 50 जोड़ लीजिए, ठीक है 750, और फिर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, नहीं नहीं अभी तो एक और बीच में आएगा ना, 875, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, और अब आएगा 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 125 अट्ठे, और नॉर्मली आपको पता होता है, नहीं भी पता तो आप देख लीजिए, तीन डिजिट में ही तो भाग लगाना है, पहले में नहीं गया तुम नहीं कटोगे, 155 में नहीं गया नहीं कटोगे, 350 में नहीं गया नहीं कटोगे, क्योंकि 350 कहीं नहीं, 625 यस आप कटेंगे। आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से बेटा करना सीखिए, CISF आप जब इतना कुछ कर चुके हैं तो थोड़ी सी मेहनत और, जब आप इतना कुछ कर चुके हैं तो थोड़ी सी मेहनत और करिए आप, तो ये देखिए आप कितना इसको आसानी से कर पा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए, नहीं हो रही आगे बढ़ जाएं, कह दीजिए यस तो यस, चलिए ठीक है इसको मैं मिटाता हूँ। तो 25 का खानदान, 5 का खानदान भी आपको समझ आ गया होगा, 5 से अब समझ लीजिए जल्दी, 5 से लास्ट डिजिट, 25 से लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, 125 से लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट, और ऐसे ही आप बढ़ाते चलिए, 625 से लास्ट की 4 डिजिट, जितना 4 डिजिट ठीक है, ये भी आप चेक कर लीजिए, कोई नहीं एंड सो ऑन, ये खानदान पूरा हो गया ठीक है। चलिए मैं 10 से और आपको बता देता हूँ, क्योंकि 10 का यूज 10 से तो आपको पता है क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0, सिंगल 0 ठीक है, लास्ट डिजिट सिंगल 0। 100 पे जाएंगे तो अब आप इसके खानदान को भी लेंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 00 ठीक है। 1000 से अब तो इस खानदान को पढ़ लीजिए, लास्ट 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 3 डिजिट्स आपको 30 होनी चाहिए, क्लियर है ना, तो ऐसे ही एंड सो ऑन इसमें चलते चले जाइए। तो 10 का खानदान भी ऐसा ही है कि भैया जितनी एक को चाहिए उसके 100 को उसको 2 चाहिए, 1000 को 3 चाहिए, ये आप कैरी ऑन करते चले जाइए। तो आप इन चीज़ों को समझिए ठीक है ना, तो ये आप समझ पा रहे हैं। अब इस 10 का यूज कहाँ होता है वो समझ लीजिए, आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया कुछ ऐसा बता दीजिए कि जैसे एक क्वेश्चन 90 वाला पूछा गया था, मैं थोड़ा 9 का जब बता दूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा, 90 से डिविजिबल संख्या पूछी गई थी, तो 90 को जब मैं चेक करने जाऊंगा तो 90 का तो मेरे पास कुछ नहीं था, 9 और 10 में टूटा था, तो यहाँ 10 की डिविजिबिलिटी काम आती है कि लास्ट 0 होना चाहिए 90 के लिए भी, और फिर 9 से चेक कर लेता हूँ ठीक है। चलिए ये बाद की बातें हैं, थोड़ा सा बाद में बताएंगे, अभी मैं आपको क्या बता देता हूँ, 3 से ठीक है ना भाई, 2 से हो गई, 4 से हो गई, 8 से हो गई, 5 से हो गई, 10 से हो गई, यहाँ बचा 3 और फिर बचा 6, तो 3 से और कर लेते हैं। चलिए 3 से ज़रा कैसे चेक करेंगे, 3 से चेक करिए, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सम उनका जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप सम वम का तो आप जाने, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ वो आप चेक कर लीजिए, ये है आप यही कट करते चले जाइए कि देखिए 3 से 3, 5 और 2 7, तो 7 14 है, माइनस के 1 7, माइनस के 1 घटा दिए ना 7, और 8 15 यस, चेक करिए। अब आप इनको जोड़ लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, बिल्कुल आप सिंपल जहाँ हैं वहीं कट करते चले जाइए, जहाँ हैं वहीं कट करते चले जाइए, 2, 3, 5, 7, 2, 1, 8, 9 इसको 3 से चेक करना है, 3 से इसको कट कर दिया, 3 से इसको कट कर दिया, 8, 1, 9 कट, 7, 2, 9 कट, 5, 2, 7 नहीं कटा, 9। आप इस चीज़ को चेक करिए, यानी जिस नंबर को जहाँ है वहीं आप कर दीजिए, आप जोड़ने मत जाइए, क्योंकि जोड़ने जाते समय आपने
15 और 6 21 की बजाय 22 कर दिया मेरी तरह, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप जोड़ने नहीं जाएंगे, आप क्या करें वहीं की वहीं ख़त्म करें ना टंटा, तीन का पकेट बनाते चलें। देखो 7 3 2 1 4 2 6 ये है संख्या, 6 और 3 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 4 2 6 कट गया, 1 बचा 9, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। आप उसको 3 को वहीं डिवाइड करते रहिए, ऐसा जोड़ते रहिए आपस में जो वो 3 से कटता रहे, उसको वहीं की वहीं ख़त्म करेंगे। 1 9 4 5 देखो, अब मैंने क्या किया, 4 5 9 9 से 9 3 से 3 2 1 3 8 नहीं कटेगा, 9 3 से नहीं कटेगा। और सेम प्रोसीजर मैं जाऊंगा 9 से भी क्या है, 9 से भी तो यही है डिविजिबल की रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। मैं इसमें 3 बना रहा था, इसमें 9 बनाता जाऊंगा। वैसे सम ऑफ ऑल डिजिट्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं काम 3 के लिए 3 बना के कर रहा था, वही काम मैं 9 के लिए 9 बना के करूँगा। कैसे करूँगा वो समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना आप, बहुत आसान होता है मैथ को। आप, मैंने कहा ना थिंक प्रोसेस जनरेट करने आया हूँ मैं आपको क्वेश्चन रटवाने नहीं आया, मैं थिंक प्रोसेस कराने आया हूँ। थिंक प्रोसेस जनरेट करिए पेपर के लिए, पेपर आते जाते रहेंगे, एक बार थिंक प्रोसेस जनरेट हो गया, आप पेपर के मोड में लग गए, तो आपको दुनिया कोई बीट नहीं कर सकता। देखिए 8 2 1 3 5 2 7 ये है, 9 बनाते चलो, 7 2 9 5 3 8 1 9 8 2 10 नहीं कटेगा, 9 ये नहीं कटेगा, ठीक है। 4 2 7 3 2 6 7 5 इसको चेक करिए कि 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो मैं देखिए जोड़ने भी जाऊंगा तो बहुत लंबा जोड़ हो जाएगा, 7 2 9 कट रहा है, 6 और 3 9 कट रहा है, 7 2 9 और 5 4 9 यस ये कटेगा। बात सिंपल सी है कि उसको 9 से ऊपर जाने ही मत दीजिए भाई। आपको जोड़ आते होंगे, मुझे जोड़ नहीं आते हैं, आपको जोड़ आते होंगे, मुझे जोड़ नहीं आता। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, और एक आध कर लीजिए, देखो दिक्कत क्या है, 7 2 1 4 3 5 8 3 इसको चेक करके बताइए, 7 2 9 4 5 9 8 1 9 और 3 और 3 6 बचा 9 हो जाएगा भाई, 6 तो 9 से नहीं कटेगा, 9। आप समझिए जरा कितना आसान आप चीज़ों को कर लेते हैं, अगर आपने नज़रिया बदल लिया तो आप उनको देखने का तरीका, आप उसको सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, मैं उनको सम ऑफ डिजिट नहीं करता, क्योंकि मुझे जोड़ नहीं आता। 8 1 3 2 5 2 x अब वो पूछने लगे हैं एक्स की वैल्यू, और ये किससे हो जाए, 3 से, ठीक है, 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितना आसान, मैं जोड़ने क्यों जाऊँगा, 8 1 9 3 2 5 5 10 एक बचा, 3 एक बचा, 2 और 1 3 खत्म। x क्या क्या बनेगा, जो जो 3 से डिवाइड होगा यूनिट डिजिट में, 0 3 6 9 ये बनेंगे भाई, ये 3 से कटेंगे क्योंकि यहाँ तक भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो x वो बने जो खुद को 3 से डिवाइड कर ले, 0 3 6 और 9। अगर इनमें से कोई अंक यहाँ आता है, ऑल पॉसिबल टू दैट कि ये 3 से डिविजिबल होगा। तो समझ पा रहे होंगे आज की डिविजिबिलिटी क्लास, आपको इतना ही हम लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको 3 से और 9 से क्वेश्चन बनाएंगे, 7 की और 11 की डिविजिबिलिटी बताएंगे, 2 क्लासों में आपको कंप्लीट डिविजिबिलिटी हम कंप्लीट कराएंगे। तो CISF वाले बच्चों आप डरना छोड़ दो, बस एक काम करो, मैथ पढ़ना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ आप ज़्यादा नहीं, जब भी आपका पढ़ाई का हल्का सा भी मूड बने, आप उस समय 10 या 15 मिनट पढ़ लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप मैथ को सीख जाएंगे। और कंप्लीट वीडियो देखकर आप चलिए, मैं गारंटी लेता हूँ इन 75 क्लासों में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टेनर को इतना प्यार दे रहे हैं, स्टेनर के साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास डिविजिबिलिटी में हम फिर कल आपसे फिर मिलेंगे, सेम समय सेम जगह। चलिए जय हिंद जय भारत।